नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका उपल। तो चलिए बात सबसे पहले इस वक्त बाजारों में कौन सी बड़ी बातें हैं जो दिख रही हैं आपको। क्लियरली आज बाजार में आपको एक गैप अप तो दिखा, गैप अप तो इनफैक्ट बढ़त जरूर बाजारों की बढ़ी हुई है, दोनों इंडेक्स की बनी हुई है, लेकिन जिन गेंस के साथ खुले थे बैंकिंग इंडेक्स वहां से जरूर नीचे आया। 40,000 के ऊपर आप खुले थे और अब आप उससे नीचे हैं। बढ़त के साथ आप एक लिमिटेड एक रेंज में ही बाजार को देख रहे हैं। 17,150 के पास आप निफ्टी पर देख रहे हैं, मोर और लेस वही लेवल था जहां कल क्लोज हुए थे। तो कोई बहुत बड़ी फॉलो बाइंग आज आपको नहीं देखने को मिली जो कि उम्मीद थी। दबाव में आपको दिग्गज बैंक दिख रहे हैं और बैंक्स फिर से वीक हुए हैं। 40,000 इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे फिसला है फिर से, और सरकारी बैंक हो, ऑटो हो, रियल एस्टेट शेयर हो, यहां से आपको फिर भी एक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पार्टिसिपेट लैकिंग है अगर आप बिग स्टॉक्स की बात करें, लार्ज कैप्स की बात करें तो। लेकिन कुछ बुलिश रिपोर्ट्स आई हैं और उनका क्लियरली इंपैक्ट दिख रहा है। सीएलएसए की एक बुलिश रिपोर्ट इंश्योरेंस सेक्टर का पूरा सेंटिमेंट लिफ्ट करने में कामयाब हुई है। सारे इंश्योरेंस काउंटर्स में अच्छी तेजी है और एक बड़ा ट्रिगर आपको जो इंडिया विक्स दे रहा है इस वक्त आप फिर से 15 के नीचे देख रहे हैं। और अगर आप ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो कल एक यूएस मार्केट से अच्छी रिकवरी तो आई, वहां से स्ट्रॉन्ग संकेत थे, लेकिन अब डाउ फ्यूचर्स लाल निशान। तो बाजार के लिए इस वक्त बड़े कंसर्न्स क्या हैं और अभी फिलहाल क्या यहाँ से तेजी के मौके अब भी हिचकिचा के लेने चाहिए या फिर फेड के इस बड़े इवेंट से पहले लॉन्ग पोजीशन बनाने में ट्रेडर्स घबरा रहे हैं, इसे समझेंगे ध्वनि के साथ भी, हमारी एक्सपर्ट हैं आज के। लेकिन पहले कल का रिपोर्ट कार्ड डिस्कस करते हैं। कल प्रशांत थे हमारे साथ, प्रशांत सावंत, उन्होंने बहुत सारी कई सारी कॉल्स धमाकेदार कॉल्स थी, इनफैक्ट उनकी एक कॉल तो बहुत ही हिट रही। चलिए उनका रिपोर्ट कार्ड एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो कॉल्स भी देख लेते हैं एक बार, सामने लेकर आते हैं प्रशांत की कौन सी कॉल थी जो बहुत हिट थी, ऑप्शंस की उन्होंने स्ट्रैटेजी हमें दी। और आप देखेंगे एबीबी पर उनकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग थी कल। इनफैक्ट कल जब मैं उनसे शो पे बात कर भी रही थी कि ये तेज है क्या, यहाँ से और तेजी के मौके बनेंगे, तो उन्होंने जहाँ पर इतने वीक सेंटिमेंट के बीच बाजार में कैपिटल गुड स्पेस चल भी रहा है, ऑलरेडी मूविंग चले हुए स्टॉक पर ही उन्होंने एक कॉल दी थी और 3350 की स्ट्राइक की कॉल, जो कल का भाव 45 था वो 90 रुपये तक गई थी, लगभग 50% का रिटर्न उनको इस कॉल से जरूर मिला। और उसके अलावा उनकी जो दूसरी कुछ कॉल्स है उसमें ICICI प्रू और बजाज ऑटो है। लेकिन आज के लिए क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी, आज क्या ध्वनि को दिखती है बाजार की, क्या ध्वनि दिख रही है अब? गुड आफ्टरनून ध्वनि, मार्केट्स को कैसे इस वक्त रीड कर रही हैं आप? क्या फेड के इवेंट से पहले ट्रेडर्स कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाना चाह रहे? क्या इंडियन मार्केट्स अपनी एक चाल में चल रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप इंडेक्स पर इस वक्त? गुड आफ्टरनून प्रियंका, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गुड़ी पड़वा और चैत्र मास की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो ओवरऑल करंटली हमें जो स्ट्रक्चर आज देखने को मिल रहा है कि हमने फॉलो अप इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग देखी है, लास्ट 2 दिन में अच्छी एक बढ़त मिली है हमें, बट आज के दिन में एक सबड्यूड मूवमेंट यहाँ पे बना हुआ है। ओवरऑल जो इसका डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स होता है वो भी एक नीचे की तरफ का स्लोप बनाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे निफ्टी की तरफ से कोई भी एक मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेवल स्पेसिफिक जो यहाँ पे ध्यान में रखने रहेंगे तो 17,270 का लेवल जो बनता है वो काफी एक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पे डेलीज पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि एक 2 वीक की 13 पीरियड की जो एवरेज होती है उसके ऊपर हम फिलहाल ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट 2 वीक्स की जो एवरेजेस है उनको हम बीट नहीं कर पा रहे हैं आज के दिन में। कोई भी एक बाय साइड का सेटअप अगर निफ्टी पे देखने जाए तो मेरे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा कि 17,217 से 20 का लेवल है वो ब्रीच करना बहुत ही जरूरी रहेगा कोई भी एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम ट्रेड निफ्टी पे बनाने के लिए। बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी बेटर सपोर्ट देती हुई दिख रही है, PSU बैंक की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो भी काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है। और इसकी जो डायरेक्शन की बात करते हैं तो ओवरऑल मोमेंटम भी यहाँ पे नीचे स्लोप नहीं कर रहा है, मोमेंटम भी फर्दर अपसाइड बनाता हुआ है, तो यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी में बनती है। करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड में, स्टॉप लॉस भी इसका छोटा बनता है नीचे की तरफ में, आपका 39,850 का स्टॉप लॉस बनता है। ऊपर जो टारगेट्स इसके आज की सेशन के लिए बनते हैं तो हमें 40,350 के टारगेट को यहाँ पे चेस करना चाहिए। पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी इंडेक्स स्पेसिफिक और स्पेशली बैंकिंग स्पेसिफिक मैं यहाँ पे कैरी ओवर करने की सलाह नहीं दे रही, जो भी ट्रेड रहेंगे वो इंट्राडे के लिए रहेंगे। इंट्राडे के ट्रेड्स ही होने चाहिए, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड वो भी एक इवेंट से पहले थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। ठीक है, चले कुछ स्टॉक्स अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग बिल्टअप।
उन्हें फिर ध्वनि के साथ डिस्कस भी करते हैं। तो ध्वनि की तो फिलहाल आप स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर ये देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी। बैंक निफ्टी को वो 40,350 तक देखती हैं और साथ ही निफ्टी का भी एक बार व्यू लेकर आते हैं। तो यहाँ से बाय के ट्रेड्स आप चेस तो करें, लॉन्ग के ट्रेड्स चेस तो करें, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करें, यानी इंट्राडे के ट्रेड्स हैं। आज दिन भर में आपको यहाँ से लगभग 300-350 पॉइंट का स्विंग एक दिखता है, ठीक है। अब लॉन्ग बिल्टअप एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एक्शन दिख रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स में। ऑलराइट, ठीक है। सो आज ध्वनि हमने देखा कि जितने भी इंश्योरेंस काउंटर्स हैं उसमें मैक्स फाइनेंशियल को आप सबसे ऊपर देख लें, उसमें अच्छी खासी मूव है। फाइनेंस काउंटर्स में आपको बजाज फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस जैसे, ये तो गोल्ड फाइनेंसेस कल भी चल रहे थे, आज भी आपको अच्छी मूव दिख रही है, इंश्योरेंस काउंटर्स चल रहे हैं। उसके अलावा कुछ और स्पेसेस भी हैं, वेदांता जैसे माँ, हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड का एक ट्रिगर है, और साथ ही MCX, ये भी काउंटर अच्छा चल रहा है। कहाँ पर मौके दिखते हैं आपको? हाफ द डे इज ऑलरेडी गॉन। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लॉन्ग बिल्टअप की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग बिल्टअप जो बजाज फाइनेंस में बनता हुआ दिख रहा है वो काफी कन्विंसिंग है, क्योंकि हमें सेकेंड डे के भी फॉलो अप बाइंग आज देखने को मिल रही है। तो ये फर्दर अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल इसका जो शॉर्ट यहाँ पे टारगेट बनता है तो 6,005 का बनता है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा तो नीचे की तरफ में इसके अंदर 57,990 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। ओवरऑल इसके अंदर फॉलो अप बाइंग अगर कंटिन्यू कर रही है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो एक्सटेंड होता है, जिसमें 6,080 तक का लेवल भी अचीव हो सकता है। तो ये बजाज फाइनेंस पर बात रही, लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरे काउंटर्स जो हैं, दूसरे फाइनेंसर्स जो हैं, उस पर क्या राय रहेगी, या फिर फॉर दैट मैटर इंश्योरेंस स्पेस में भी जो ऑलरेडी अच्छे खासे गेन है। आज एक CLSA का नोट आया ध्वनि, जिसके बाद इंश्योरेंस पूरे स्पेस में ब्रोकरेज हाउस को एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लगता है, क्योंकि बजट के बाद ये काफ़ी स्टॉक्स गिर गए थे। अब जो ये मूव आ चुकी है, चाहे आप SBI लाइफ की बात करें, मैक्स फाइनेंशियल की बात करें, HDFC लाइफ की, और ये स्टॉक्स चल रहे हैं, HDFC लाइफ और SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स, इनमें क्या यहाँ से भी फर्दर लॉन्ग के ट्रेड्स देखने चाहिए या फिर काफी मूव आ गया है? सो टेक्निकली अगर हम देख रहे हैं प्रियंका यहाँ पे, तो SBI लाइफ और HDFC लाइफ दोनों ही एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम दे रहे हैं, बट ज्यादा कन्विंसिंग मूव जो यहाँ पे दिख रहा है वो HDFC लाइफ का दिख रहा है, क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी 2 दिन की फॉलो अप बाइंग देखी है, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स भी दोनों में बनाई हुई है, और जो डायरेक्शनल इसकी प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर भी आज हमें HDFC लाइफ के अंदर ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। तो करंट लेवल से आप HDFC लाइफ को पिक कर सकते हैं एज अ इंश्योरेंस सेक्टर बाय, जहां पे हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो एक्सटेंड होता है 511 तक, उसका यहाँ पे नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो इसके अंदर आप 489 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। एक बार CLSA के उस रिपोर्ट में एक्चुअली बातें क्या कोट की गई हैं, ये शरद से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, CLSA का जो है एक अपग्रेड आया है आपके लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स को लेकर, और उन्होंने कहा है कि जो नेगेटिव्स थी, जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई थी, उसके कारण जो है सारे जो फैक्टर्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं, और आगे जाते हुए जो ग्रोथ के आंकड़े वो सिर्फ 0-4% तक रहेंगे। अब देखें तो बजट से जो है लगभग ये जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स लिस्टेड स्टेट्स में लगभग 7-24% का जो है ओवरऑल गिरावट देखने मिला है, लेकिन ब्रोकिंग हाउस कह रहे हैं कि जो रिटेल प्रोटेक्शन की जो सेगमेंट है वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम देखने मिली, और फर्स्ट हाफ FY24 को जो थोड़ी सी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है, क्योंकि प्री बाइंग हो रही है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए फरवरी और मार्च को लेके, और इनका मानना है कि आगे जाते हुए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो लॉज में चेंजेस आती है तो फेयर वैल्यू में 9-16% का इजाफा इंश्योरेंस कंपनीज को देखने मिल सकता है। हालांकि अगर ग्रोथ आंकड़े बात करें APE नंबर्स की या वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की, तो वहां पे सिर्फ 0-3% तक का ग्रोथ रहेगा मीडियम टर्म पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आता है कि क्या अपग्रेड्स आए हैं, तो क्या स्टॉक्स के लक्ष्य रखें। सबसे पहले आता है SBI लाइफ का, यहाँ पे अपग्रेड आउट परफॉर्म कर से बाई कर दिया गया है, 1,325 रुपये का लक्ष्य रखा है। HDFC लाइफ का जो है अपग्रेड कर दिया, सेल्स से लेके अंडर परफॉर्म तक 500 रुपये का लक्ष्य रखा है। मैक्स फाइनेंशियल का 780 रुपये का लक्ष्य है, और आप ICICI प्रू में 485 रुपीज़ का लक्ष्य देखा गया है। HDFC लाइफ का देखा जाए तो सिर्फ 4% का रिटर्न पोटेंशियल है, लेकिन जो बाकी 3 लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वहाँ पे एक अच्छा रनवे देखने मिल रहा है, लगभग आप कह सकते 17-24% तक का जो है रिटर्न पोटेंशियल यहाँ से आगे देखते हुए देखने मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स इन दिस रिपोर्ट शरद, शुक्रिया। तो
ऑलरेडी आप यहाँ से देखें तो मौजूदा भाव से भी आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी ये काउंटर्स चले हुए हैं, लेकिन आप यहाँ के फर्दर यहाँ के अपसाइड जो इस रिपोर्ट में साइड किए गए हैं वो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं आपको। SBI लाइफ हो, HDFC लाइफ हो और मैक्स फाइनेंशियल, और इस एंटिसिपेशन में आज मैक्स फाइनेंशियल में भी अच्छी खासी मूव है। चले अब कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप का, क्योंकि थोड़ी सी हेज स्ट्रैटेजी रखना कोई बुराई नहीं है, तो क्या शॉर्ट बिल्टअप पे भी ध्यान दे रहे हैं, शॉर्ट साइड के स्टॉक्स को भी ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट बिल्टअप कहाँ का है वो डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट ध्वनि से बात करते हैं शॉर्ट बिल्टअप पे। शॉर्ट ध्वनि, हम देख रहे थे कि कई दिनों से कैपिटल गुड स्पेस में अच्छी मूव थी, बाजार भले ही वीक था, कई सारी पॉकेट्स बड़ी एग्रेसिव पॉकेट्स वीक थी, लेकिन कैपिटल गुड स्पेस वीक नहीं हुआ था। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इनमें देखने को मिल रही है। दूसरा ट्रेड जो है थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है क्रूड डेरिवेटिव्स का, चाहे ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स हो या फिर आपके पेन स्टॉक्स हो, वहाँ पर भी थोड़ी नरमी है। क्या ये सिर्फ एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग है या फिर आप एक माइनर शॉर्ट टर्म ट्रेड भी रिवर्स होते हुए देख रही हैं? यहाँ पे ओवरऑल अगर हम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं तो कमिंस का स्टॉक स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। उसमें हमें देखा है कि पिछले कुछ दिनों में काफी एक अच्छा बुलिश रनअप बना हुआ है, बट ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे कमिंस में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है कि करंट जो हाईज है वो स्विंग हाईज बना के वहां से हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल जो टेक्निकल सेटअप भी यहाँ पे बना हुआ है तो डेलीज पे भी RSI का एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कमिंस में एक जो शॉर्ट साइड की पोजीशन है वो फर्दर इसके अंदर बिल्ड करती हुई दिख सकती है, जहाँ पे हमें जो नेक्स्ट टारगेट है नीचे की तरफ में वो 1564 का लेवल बनता है, 65 का, जहाँ पे नेक्स्ट इसका एक हॉल्ट आ सकता है। बट करंट लेवल से इसके अंदर कोई भी एक फ्रेश नहीं बन रहे हैं, वहां पे डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है शॉर्ट साइड पे वो कंटिन्यू करेगी। और उसका नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा कि नीचे तरफ 1530 तक का जो टारगेट है इसका वो बन सकता है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे शॉर्ट साइड पे मेंटेन करना रहेगा तो 1645 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये तो आपका कमेंट्स पर एक नजर आ रहा। दूसरे जो काउंटर्स हैं, कल हमने देखा क्योंकि PVR जैसे स्टॉक्स में अच्छी आपको बाइंग देखने को मिली। इनफैक्ट ISSF प्रू का नाम था, कुछ और भी बड़े फंड हाउसेस का नाम था, तीन बड़े फंड हाउसेस का नाम था इनफैक्ट, लेकिन आज वहाँ पर भी थोड़े से शॉर्ट्स बने हुए हैं। क्या PVR में भी एक सिर्फ एक दिन का ट्रेड था या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग है? फ्यूचर भी ऑलमोस्ट मामूली से फ्लैट है। जी बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे PVR का अगर हम देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसमें कोई भी यहाँ पे शॉर्ट साइड के ट्रेड्स नहीं बनते। स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है जिसमें नीचे की तरफ का एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया है, जिसमें 1490 का लेवल हम नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पे हमने एक सपोर्ट लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अपसाइड का ही इसके अंदर जो भी ट्रेड है वो देखना चाहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ अपसाइड जो यहाँ पे है तो एक बार हम आज दिन के हाइज जो है 1570 से 1580 के हाईज अगर क्रॉस करते हैं तो PVR में एक लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, जिसमें अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लगा रहे हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ पे मिलते हैं तो 1630 तक के टारगेट्स यहाँ पे अचीवेबल है। आपका स्टॉप लॉस भी PVR के केस में नीचे की तरफ में बहुत ही छोटा रहेगा, जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप 1555 का स्टॉप लॉस लगा के कोई भी एक लॉन्ग साइड की ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, ये तो PVR पर नजरिया रहा, लेकिन आज जो जिन स्पेसेस में अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी दिखी उसे भी डिस्कस करते हैं आज। इनफैक्ट ध्वनि, स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड में ही हमें ग्रोथ स्टॉक्स में एक अच्छी मूव थी, नैस्टैक में मूव है, ग्लोबली तो खैर बाजारों ने तेज़ी अच्छी दिखाई है ग्रोथ स्टॉक्स में ओवर द लास्ट वीक ओनली, लेकिन इंडियन मार्केट्स में आईटी स्टॉक अभी भी आईटी सेक्टर में उस तरह की कॉन्स्टेंट बाइंग नहीं दिख रही है या उस फ्लो में नहीं दिख रही है बाइंग आपको। लेकिन आज जो आईटी स्टॉक से जो सपोर्ट मिला, लार्ज कैप आईटी स्टॉक से मिला, मिड कैप आईटी स्टॉक से मिला, और इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का भी एक व्यू निकल कर आया था ग्लोबली, उन्होंने एक व्यू दिया कि जितने भी एशियन ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे आउटराइट बुलिश व्यू उन्होंने उस पर दिया। हमने आज सुबह एक मूव देखी लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में वो कन्वर्ट नहीं हो पाई, इनफैक्ट सस्टेन नहीं करी मूव। क्या ग्रोथ स्टॉक्स पे इस वक्त, आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की मैं बात कर रही हूँ, आईटी स्टॉक्स पे इस वक्त क्या व्यू बन रहा है? ओवरऑल यहाँ पे अगर हम सबसे पहले निफ्टी आईटी को देखते हैं तो इंडेक्स यहाँ पे एक बेरिश मूव बनाए हुए है, कंटिन्यूअसली एक डाउन साइड की जो कैंडल्स है वो बनती जा रही है। इसके अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ओवरऑल आईटी इंडेक्स में हमें मिल रहा है तो 28,000 का लेवल है निफ्टी आईटी को, जो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। वहां पे हमने देखा है कि प्रीवियस स्विंग लोस का सपोर्ट भी बना हुआ है, तो
यहाँ पे ओवरऑल हमें इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। ट्रेंड भी नेगेटिव है। टीसीएस ने आज ओपन हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वहां से हम नीचे की तरफ फिसल चुके हैं। तो टीसीएस में भी यहाँ पे शॉर्ट साइड के ट्रेड बन रहे हैं। कोई भी एक लॉन्ग साइड का सेटअप यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो टीसीएस में मेरी कन्विक्शन ज्यादा बनती है, क्योंकि ओपन हाई की यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनी है वो फर्दर एक यहाँ पे हमें डाउनसाइड का जो इसका ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। आपको वीकलीज पे भी देखने मिलेगा कि ट्रेंड इसका नेगेटिव ही बना हुआ है। और जो नेक्स्ट टारगेट्स इसके अंदर दिख रहे हैं तो 3010 का टारगेट बनता है टीसीएस के अंदर, जहाँ पे स्टॉक वापस फिसल सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा तो आप 3170 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। ठीक है, आप वो ठीक बात कह रही हैं क्योंकि वो लॉन्ग बिल्टअप में दिख भी नहीं रहा। हालांकि माइनर गेन जरूर है कुछ लार्ज कैप्स में, लेकिन सुबह के कंपैरिजन में वो इरोड हुआ है। लेकिन क्या ओएफएसएस जैसे काउंटर्स, जो एफएनओ के काउंटर्स कुछ डिस्कस करते हैं, ओरेकल फाइनेंस, यहाँ पर फिर भी एक बार के लिए मूव दिखती है? एबी कैपिटल जैसे स्टॉक्स में आपको मूव लगता है कि बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल एबी कैपिटल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो काफी एक बुलिश साइड का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हमें देखने मिल रहा है। इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिली थी जो हुई थी 28 फरवरी को। उसके बाद स्टॉक ने वहां पे ट्रेंड लाइन को वापस टेस्ट भी करा है और वहां से हमें एक फर्दर मूव मिल रहा है। इसको टेक्निकल सेटअप में बोले तो ट्रेंड लाइन हैज ऑलरेडी ब्रोकन एंड टेस्टेड। वी आर ट्रेलिंग बैक अगेन ऑन द बुलिश साइड पे, हम लोग वहां पे वापस मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका जो यहाँ पे टारगेट मिलता है तो फर्स्ट आप 160 के पास इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट लेके चलिए। जो नेक्स्ट एक्सटेंड होता है तो आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 163 तक की भी इसका एक फर्दर अप मूव शॉर्ट टर्म में विटनेस करने को मिलेगा। स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर, स्टॉप लॉस यहाँ पे 154 का मेंटेन करना है। आज जिन जिन स्पेसेस पे अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, बुलिश रिपोर्ट्स आई हैं, उन्हें बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। कल आपको रिलायंस याद होगा, आज आप इंश्योरेंस स्टॉक्स को देखें। एक और स्टॉक कैश मार्केट का है और हाल ही की लिस्टिंग है, सुला विनयार्ड्स। यहाँ पर भी आप 6% की मूव देख रहे हैं। इनफैक्ट ये थोड़ी सी नीचे आई है, इससे पहले तो 7% तक तेज था। और दो ब्रोकरेज हाउसेस का रिपोर्ट की बाय रिकमेंडेशन इस स्टॉक पे है। दोनों रिपोर्ट्स के की टेकअवेज अश्लेषा से समझते हैं। पहले काउंटर में पिछले 2 दिनों में करीब करीब 10% का अपमूव देखने को मिला है। कल सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की राय रखी है और 475 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि सुला वेल पोजिशन है ग्लोबल कंज्यूमर शिफ्ट को लेवरेज करने के लिए। उन्होंने सीएजीआर टारगेट्स दिया है। उनका मानना है कि रेवेन्यू सीएजीआर 17.5% का कंपनी अचीव कर सकती है अगले 2 साल में। और उनका ऐसा भी मानना है कि ईपीएस सीएजीआर करीब करीब 18.6% पर हो सकता है अगले 2 साल के लिए। इसके अलावा आईआईएफएल की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी कवरेज इनिशिएट किया है, टारगेट दिया है 390 रुपीज़ पर शेयर का। उनका मानना है कि FY22 से 25 के पीरियड में कंपनी 18.7% का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव कर सकती है। वैल्यूएशंस अभी 27 टाइम्स है FY25 EPS के हिसाब से। जो पियर्स के साथ कंपेयर करें, यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ कंपेयर करें तो करीब करीब 30% के डिस्काउंट पर है। इसी के चलते दो कवरेज ब्रोक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है 2 कंजेकटिव डेज, और इसी के चलते स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अपसाइड तो अच्छा खासा आप मूव तो दिख रहा है। कैश का स्टॉक है, 6-7% की मूव है आज इस ब्रोकरेज हाउस के व्यू पर, ठीक है। लेकिन एफएनओ सेगमेंट है ये, कुछ और एफएनओ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं ध्वनि के साथ। ध्वनि, आपकी भी कोई रिकमेंडेशन है जो आप, जहां आपको लगता है कि जहां मौके मिल सकते हैं, चाहे शॉर्ट साइड के हों चाहे लॉन्ग साइड के हों? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 रिकमेंडेशन रहेगी। सबसे पहले एक जो रहेगी फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो जेके सीमेंट्स में है। ओवरऑल सीमेंट पैक में भी हमें आज अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। श्री सीमेंट ले लीजिए, जेके सीमेंट ले लीजिए, ज्यादा कन्विक्शन मेरा यहाँ पे जेके सीमेंट में बनता है। करंट लेवल से उसमें बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। आपका जो टारगेट यहाँ पे है वो टारगेट यहाँ पे 2920 तक का बन रहा है, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आपको 2820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सेकेंड, हम देख रहे हैं कि आज बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल मेरी कन्विक्शन ज्यादा बन रही है। पीएसयू सेक्टर जो है वो अच्छे से चल रहा है, तो पीएसयू सेक्टर्स को फर्दर एक्सप्लॉइट करते हुए यहाँ पे कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक में यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन बनती है। इसका मोमेंटम भी जो है वो फर्दर अपसाइड
का बन रहा है। ओवरऑल करंट लेवल से इसके अंदर बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। आपको टारगेट यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, जिसमें 294 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है और स्टॉप लॉस जो है वो 284 का मेंटेन करना है। तो ये आपके दो स्टॉक रिकमेंडेशन रहेंगे। आप कोई ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड दिख रहा है आपको? अगर जेके लक्ष्मी सीमेंट सीमेंट स्पेस पर इनफैक्ट थोड़े से जरूर अनवाइंड ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं आपको ग्रासिम जैसे स्टॉक में, लेकिन दूसरे दूसरे स्टॉक्स अच्छे पॉजिटिव दिख रहे हैं। क्या सीमेंट पैक एक ऐसा पैक है नंबर्स को व्यू करते हुए ध्वनि, जहां पर ऑप्शन के जरिए अप्रैल सीरीज का कोई ट्रेड बनता हो? यहाँ पे ओवरऑल सीमेंट पैक्स में कोई भी एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी में रेकमेंड नहीं कर रही, क्योंकि आईवीज जो है ओवरऑल सीमेंट पैक की अगर हम देख रहे हैं तो आईवीज इसकी हमें ज्यादा ऑन दी अपर साइड नहीं मिल रही है। जो भी आईवीज है वो बहुत ही कम मिल रही है, तो इसके अंदर अगर ऑप्शन का ट्रेड लेंगे तो हमें जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से ऑप्शन के जरिए सीमेंट पैक को अभी फिलहाल में ट्रेड करने का अवॉइड करने दें। नो प्रॉब्लम, आप इसे अवॉइड करना चाहती हैं अभी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स इस बीच देखें तो अब बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स भी ऊपर आए हैं। इनफैक्ट बैंक्स में थोड़ी सी रिकवरी है क्या, एक बार वो अटेम्प्ट देखते हैं, क्योंकि निफ्टी तो उन्हीं लेवल्स के पास है, रेंज है, रेंज के अपर रेंज पर है इस वक्त, लेकिन बैंक्स में स्विंग कितना हद तक पॉसिबल है? क्योंकि ध्वनि भी जब साउंड कर रही थी तो वो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा बुलिश मुझे लगी। ध्वनि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी होगी, कितना तक का स्विंग मिल सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से एक कोटक बैंक का स्टॉक है, जिसे मैं बोलती हूँ कि नीचे की तरफ में आपको एक मूविंग एवरेज का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आज के दिन में इसके अंदर फॉलो अप बाइंग देखने मिल रही है, क्योंकि कल के सेशन में हमने उसी 200 पीरियड की मूविंग एवरेज को यहाँ पे टेस्ट करा है। आज के दिन में हम ऑन दी हायर साइड ट्रेड कर रहे हैं, तो कोटक बैंक को डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह यहाँ पे ट्रेड करा जा सकता है, जहाँ पे ऊपर आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1750 तक का एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलिए। जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा वो नीचे की तरफ में आप इसके अंदर 1680 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में अगर हम देख रहे हैं तो बंधन बैंक, जैसे आपने कहा, तो बंधन बैंक में भी हमें आज के दिन में फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है, जिसकी कन्विक्शन कोटक से और ज्यादा बन रही है, क्योंकि आज के दिन में हमने ऑलरेडी एक 3.5 to 4% का अपमूव इसके अंदर देख चुके हैं और फर्दर इसके अंदर जो मोमेंटम बनेगा तो 213 के लेवल के ऊपर इसके अंदर कोई भी ज्यादा रेजिस्टेंस के लेवल नहीं बन रहे हैं। तो बंधन बैंक के लिए बहुत जरूरी होगा 213 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करना, और उसके बाद इसके अंदर हम फर्दर एक अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे, जिसके अंदर 228 का टारगेट रहेगा। बट अगेन कंडीशनल बाइंग है बंधन में कि आपको 213 के ऊपर इसके अंदर करना है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो बंधन बैंक के फ्यूचर्स पर आप बता भी रही हैं, यहाँ ओपन इंटरेस्ट चेंज तो दिख रहा है और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और ये ऊपर आया भी है पिछले कुछ मिनटों में। इनफैक्ट बैंक्स में आप देखें दूसरे जो काउंटर्स ऊपर आए हैं उनमें एक बंधन बैंक है, और इसके अलावा जो आज आरबीएल बैंक पर, क्योंकि कल एक पेनल्टी थी आरबीआई की तरफ से तो वहाँ थोड़े शॉर्ट्स बने थे, आज वो रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरबीएल बैंक की जो कल जो एक उस पर डेंट पड़ा, वो सारा क्या रिकवर हो गया या फिर अभी रिकवरी प्ले है इसमें? ध्वनि जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रियंका आरबीएल बैंक में जो यहाँ पे हमने आज के दिन में भी देखा है कि हमें एक यहाँ पे जो मूव मिला है वो एक कन्विंसिंग अपसाइड मोमेंटम डेफिनेटली है। बट वीकलीज पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 50 वीक्स की एवरेज के नीचे हम फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, तो एक बाय साइड का यहाँ पे भी जो ट्रेड लेना है वो कॉशियस बन के ही लेना होगा। ओवरऑल बैंकिंग में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स है जिनके अंदर एक कन्विंसिंग अपमूव देखने को मिल रहा है। बाकी सब में हम जो अगर अपमूव देख रहे हैं तो बॉटम से रिवर्सल डेफिनेटली आया है, बट वो बहुत ही एक शॉर्ट टर्म का रिवर्सल यहाँ पे देखने मिल रहा है। आरबीएल की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो स्टॉक में नीचे की तरफ 141 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है, जो टारगेट बनता है वो आपको 146 के ऊपर बाइंग करनी है, तो टारगेट आपका 155 तक एक्सटेंड होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं करंट लेवल पे इसके अंदर तो रिस्क रिवॉर्ड जो बनेगा वो फेवरेबल नहीं बनेगा। तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी सारे बैंकिंग स्टॉक्स हमें एक कन्विंसिंग मूव नहीं दे रहे, बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स है जिनके अंदर हमें एक फर्दर फॉलो अप बाइंग देखने मिल रही है, और जिसके अंदर हम अगर चार्ट के लिए देख रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस लेवल्स भी उसके जो देखने को मिलते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल मिलते हैं। सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स को अभी फिलहाल पिक करना मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं रहेगा।
ऑल राइट ध्वनि, शुक्रिया ये व्यू देने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी हमारे व्यू तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार मार्केट्स पर नजर बनी हुई है।